दिल्ली में बीजेपी और कांग्रेस एक दूसरे के विरोधी हैं और संजय सिंह को आपके प्रभाव को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए इन राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को पार करना होगा। पार्टी के भीतर एकता सुनिश्चित करना और पार्टी की सक्रियता को बनाए रखना संजय सिंह के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर पार्टी के सदस्यों के बीच अलग अलग विचारों और महत्वाकांक्षाओं के बीच। ऐसे में आतिशी के लिए भी चुनौतियाँ हैं। पहली चुनौती है शिक्षा में सुधार और उम्मीदें। आतिशी दिल्ली के शैक्षिक सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुकी हैं। चुनौती इन सुधारों को बनाए रखने और जनता की उम्मीदों को पूरा करने की है। बतौर शिक्षा मंत्री सिसोदिया ने दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था को लेकर जनता में आप सरकार की एक सकारात्मक छवि बनाई थी, उस छवि को और मजबूत करना आतिशी के लिए चुनौती रहेगा। दूसरा है प्रचार और मतदाता संपर्क। प्रभावी प्रचार और मतदाता संपर्क के लिए लगातार प्रयास करते रहना और बीजेपी को टक्कर देने के लिए लगातार नई नीतियां बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है। लगातार मीडिया के सामने आकर सीएम पार्टी या सरकार की बात रखने के चलते आतिशी पार्टी और सरकार का एक प्रमुख चेहरा बन गई हैं। इस नाते इस चुनौती को पार करना उनके लिए काफ़ी अहम होगा। आपको बता दें, यह पार्टी अपने 12 साल के छोटे से सफ़र में दिल्ली और पंजाब में अपनी सरकार बनाने में कामयाब रही और इसने राष्ट्रीय पार्टी होने का मुकाम भी हासिल किया। लेकिन दिल्ली की केजरीवाल सरकार द्वारा पहले लाई गई और फिर रद्द की गई शराब नीति की वजह से पार्टी भयंकर मुश्किलों में फंसी हुई है। पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम केजरीवाल लंबे वक्त से जेल में हैं। इसके अलावा पार्टी के अन्य नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और मंत्री सत्येंद्र जैन, पार्टी के कम्युनिकेशन विभाग के इंचार्ज संदीप नायर भी जेल की सलाखों के पीछे हैं। पार्टी के एक और बड़े नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह इस कथित आबकारी घोटाले के मामले में 6 महीने जेल की हवा काट चुके हैं। जब तक अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया जेल नहीं गए थे, पार्टी और सरकार का पक्ष रखने के लिए, साथ ही विपक्ष के आरोपों का जवाब देने के लिए मीडिया का फोकस इन्हीं दो चेहरों पर रहता था। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया जैसे बड़े चेहरों के जेल जाने के बाद अब आम आदमी पार्टी की ओर से बीजेपी के आरोपों का जवाब देना, पार्टी संगठनों को देखना और चुनावी तैयारियों के लिए पार्टी को तैयार करना, सरकार और पार्टी के प्रबंधन से जुड़े तमाम कामों को मीडिया तक पहुंचाने के काम में पार्टी की ओर से दो चेहरों को प्रमुख रूप से लगाया गया है। इसमें पहला नाम संजय सिंह और दूसरा नाम आतिशी का है। संजय सिंह दूसरी बार आम आदमी पार्टी के टिकट पर राज्यसभा पहुँचे हैं तो आतिशी दिल्ली की कालकाजी सीट से विधायक हैं और केजरीवाल सरकार में शिक्षा जैसा अहम मंत्रालय संभाल रही हैं।